इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेट सबऑर्डिनेट परमिशन क्या होती है यहाँ पर हमारे फ़ोन के अंदर। तो यहाँ पर ये परमिशन मिलती कहाँ पर है एंड इसका काम क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि परमिशन मिलती कहाँ है, उसके अंदर क्या क्या मिलता है ये बाद में बात करेंगे, और ये वर्क किस बेसिस पर करती है वो भी आपको बताऊंगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो गाइस, इस सेटिंग्स को खोलने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में ही जाना पड़ेगा। तो चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर जाना है एंड यहाँ पर आपको प्राइवेसी दिखाई देती है, प्राइवेसी पर जाना है और ऐप परमिशंस आपको दिख जाएंगे। उसके बाद ऐप परमिशंस पे भी चले जाना है और जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर जाना है एंड यहाँ पर आपको ये वाली सेटिंग्स परमिशन मिल जाती हैं, तो इसे खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फोन्स की कॉल लॉक्स की कॉन्टैक्ट की एंड एसएमएस की एडवांस जो सेटिंग्स या परमिशंस मिलती हैं वो सब यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। क्योंकि ये जो सेटिंग्स है बेसिकली पार्ट्स में डिवाइड करती है, जैसे कि फ़ोन की परमिशन हो गई कॉल्स की, तो उसमें छोटे छोटे से तीन पार्ट्स बना दिए इसने, मेक कॉल्स की, फॉरवर्ड्स कॉल की, रीड फोन्स स्टेट की। ठीक है, अब जैसे कॉल लॉक्स हो गई यहाँ पर तो उसके भी दो पार्ट इसने बना दिए। ठीक है, एंड कॉन्टैक्ट की हो गई, एक तो राइट एंड डिलीट कॉन्टैक्ट की हो गई और रीड कॉन्टैक्ट की हो गई, तो ये भी बना दी। अब एक एक करके मैं आपको हर वीडियो में बता चुका हूँ कि ये परमिशन किस किस बेसिस पर काम करती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि ये जो है इसको कैसे छोटे छोटे से पार्ट्स में परमिशन को बना देती है ये सेटिंग्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।